खान बाबा। रोशनी, रोशनी। खान बाबा, आप ठीक तो है ना अरमान? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? पर आप यहाँ पर कैसे इतना बिजी? वो मैं उनसे भाग के आ गई, पर मेरे ख्याल से वो अभी भी मेरा पीछा कर रही होंगी। और सारा साइमा दादी? वो सब रेहान और शायरी के साथ है, आई एम श्योर वो लोग उनका ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, पर हमें उनके पास जाना चाहिए रोशनी। जी। मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है रोशनी। मुझे लगा सुनहरे सूरज की रात को ग्रहण लगेगा और सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद मुझे अपनी पावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि बिना पावर्स के मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा कैसे? मुझे मेरी पावर्स, रोशनी, में कुछ भी करके अपनी फैमिली को बचाना है। उससे वादा करता हूँ रोशनी, चाहे मेरी पावर्स मेरे पास हो या ना हो, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। मिस बेस खान बाबा, हमारे पास जादू तो अभी भी है ना? हाँ, हमारा अरमान हमारे पास है। जी खान बाबा, आपको याद है जब मेरी अम्मी की रूह हमें बीते हुए कल में लेके गई थी, उसके बाद मेरी अम्मी की रूह ने मुझे एक रिंग दी थी। रिंग? जी यस। रोशनी, अगर इतने सालों बाद उन्होंने वो रिंग आपको अब दी है, तो उन्हें पता है कि वो रिंग आज की रात हमारी हेल्प कर सकती है। वो रिंग कहाँ है? खान बाबा, वो ताबीजी ने ले ली। यस रोशनी, अब हमें सुनहरे सूरज के ढलने तक ताबीजी के सामने नहीं आना है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम उसे छुप के रहते हैं, तो वो आपका दिल नहीं ले पाएंगे। अनानु, उस पैसा बिल्कुल सही कह रहे। वो ताबीजी कह रही थी कि उनके पास सिर्फ 15 मिनट रह गए, इसका मतलब हमारे पास छुपने के लिए 15 मिनट है। पर अगर हम छुपे और उन्होंने पीछे से हमारी फैमिली को कुछ कर दिया, तो ताबीजी फरिश्ते के दिल के लिए किसी भी हद तक जा सकती। रोशनी, हमें अपने फैमिली के आसपास ही छुपना चाहिए। जी चलिए। खान बाबा, खान बाबा, आप ठीक तो हैं? खान बाबा, अमन को मैंने फ्रीज कर दिया। वो सुन सकता है, देख सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह, ये क्या कर दिया? खुश है अब? हैप्पी? ऐसी सिचुएशन में कौन खुश हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे लगा जब बंदा अपनी मर्जी से फंस रहा है तो खुशी होगा ना, मतलब हद हो गई। मुझे क्या पता था कि हम दोनों जाले में फंस जाएंगे, मैं तुम्हें बचाने आया था। हम ये फिर लड़ने लग गए रेहान शायरी। काश काश आपका दिमाग भी आपकी मुझे जितना बड़ा होता, तो आपको पता होता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बात हो गई है, अब आप खुद सोचिए, अगर आप बाहर होते तो अपनी वॉन्ट से फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको तो लगा अरे शायरी बार बार जाले में फंस जाती है, उसे कितना मजा आता होगा ना, चलो मैं भी जाके फंस जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। जी हाँ, अपने दिल की बात तो बोली नहीं जाती, बड़े आए ही मैन बनने। क्या कहा तुमने? ये सारी बातें बाद में कीजिए, पहले ये सोचते हैं कि इस जाले में से बाहर कैसे निकलना। रोशनी, तुम भाग के कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। क्या लगा था तुम्हें कि इस बार फिर तुम लोग जीत गए? तुम लोग भूल रहे हो कि इस बार तुम्हारा सामना किसी मामूली जिन से नहीं हो रहा, ताबीजी से हो रहा है। और मुझे हराना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। चलो रोशनी, अपना वादा पूरा करो और मेरे फरिश्ते का दिल मुझे वापस कर दो। क्या सोच रहे हो रोशनी, आगे बढ़ो। हाँ बाबा, प्लीज मदद कीजिए। तुम्हें मुझे मेरे फरिश्ते का दिल वापस करना होगा। हाँ बाबा, हाँ बाबा। रोशनी, आगे बढ़ो।
तुम्हें समझ नहीं आ रहा। दो सौ साल तक मैंने इस दिन का इंतजार किया है, अब मेरा ये इंतजार खत्म करो। मेरे फरिश्ते के दिन मेरे पास आओ, मेरे फरिश्ते के दिन मेरे पास आओ। फरिश्ते का तब मेरे पास क्यों नहीं आया? रोशनी, तुमने मेरे दिल को छुपा के रख दिया है ना कहीं पे? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। तुमने मेरे फरिश्ते का दिल छुपाया है कहीं पे? सच बताओ कहां पे? तभी से मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं अपनी फैमिली को, अपने अरमान को खतरे में क्यों डालूंगी? अरमान, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? एक आयाना अपना दिल दूसरे आयाना में छुपा सकती है, यानी कि तुमने अपना दिल अरमान में छुपाया है। अभी से नहीं, अरमान का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। उसको प्लीज प्लीज हम मत कीजिए। बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। सुनहरे सूरज के डूबने से पहले मुझे मेरा फरिश्ते का दिल किसी भी हाल में चाहिए, समझ रही हो तुम? नहीं तो अभी मैं सच कह रही हूं। प्लीज अरमान, जो मेरा है उसे मैं लेकर आऊंगी। अभी प्लीज समझ कीजिए। हाँ बाबा, प्लीज प्लीज जी मेरा अरमान, अभी प्लीज अरमान को कुछ मत कीजिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो लोरी मुझे हिम्मत देती है। अल्लाह ने उस पर जब भी मैं वो लोरी गुनगुनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी मेरे पास है। हो सकता है अगर मैं वो लोरी दोबारा गुनगुनाऊँ तो अरमान भी मेरे पास आ जाए। बेबी शोराजन, अरमान मैं देख क्यों नहीं पा रही,